ये मेरे पास प्याज, तो ये देखिए ये प्याज हो गया। अच्छा, ये जो हम क्रोकेस बना रहे हैं ये हम बनाएंगे मोज़रेला के। थोड़ा सा तेल लिया, प्याज डालेंगे उसके अंदर। ये बीन्स मेरे पास है, तेल गरम हो गया तो ये लीजिए, और प्याज के साथ साथ ये बीन्स थोड़ा इसे भून लेते हैं, और गाजर चाहिए मुझे, इसको थोड़ा ग्रेट कर लेते हैं। ये गाजर हो गया, ये मेरे पास कैप्सिकम, लेकिन उससे पहले ये गाजर। इसमें थोड़ा नमक वापस कैप्सिकम पे, और ये कैप्सिकम। तो ये हमने सारी सब्जियां ऐसी कर दी हैं, बस मजा आ जाए। इन सबको हम निकाल लेते हैं एक ये बोल के अंदर, इसमें थोड़ा तीखा स्वाद दिया जाए। मेरे पास ये है पिकल्ड हैलपिनोज, ये लीजिए। तो ये जो है ये इसके अंदर, इसमें डालना है हमने आलू, उबला हुआ आलू। अब इसके अंदर हम डालते हैं नमक, और इसे कर लेते हैं मिक्स। और अब इसके अंदर डालना है हमें गाढ़ी व्हाइट सॉस, और इसे करना है मिक्स। और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेड क्रम, इसे कर लिया मिक्स। इसमें हमने मोज़रेला डालना है, तो ये मेरे पास मोज़रेला चीज, और मोज़रेला चीज को इस तरह से काट लिया, और इस तरह से उसकी स्टिक्स। और ये जो है हमारे पास ये व्हाइट सॉस, ये ले ली। और अब ये जो मिक्सचर है इसको लेके मोज़रेला, देखिए कितना ज्यादा है, ये ले लिया। अब इसे इस तरह से ये शेप देने के बाद, ये जो व्हाइट सॉस है उसमें आपने इसे इस तरह से रोल करना है। तुरंत डाला ब्रेड क्रम्स के अंदर। अब ये जो है इसको फ्रीजर में कैसे रखना है, इसके दो तरीके हैं। आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं, और फिर जब भी आपको इसे फ्राई करना हो तेल गरम करें, फ्रोजन ही इसको तेल के अंदर डालें, और इसे आप मीडियम हीट पे फ्राई करें। नहीं तो एक और काम हो सकता है, आप इसको मीडियम हीट पर इसी तरह से फ्राई करें। ये फ्राई करने के लिए रख दिया। अब देखिए ये जो है ये बढ़िया क्रिस्प करारा ये तैयार। हाँ, अगर इस पे आप जो ब्रेड क्रम्स हैं फ्रेश वाले लगाएंगे तो इसका रंग इतनी जल्दी लाल नहीं होगा, लेकिन ये देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा लगता है। बहुत ही सॉफ्ट हो, और अंदर से ये देखिए जो मोज़रेला चीज है हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है। तो बस इसी तरह से इसे सर्व करें गर्मा गर्म, थोड़ा सा ये मजा लें इसका, बनाए गर्मा गर्म। लेकिन ठंडा करके रखना है, फ्रीजर में बना के रखें, जब चाहिए तब इसे फ्राई करें। चीज एंड वेजिटेबल क्रॉकेट्स के लिए हमें चाहिए 12 स्टिक्स मोज़रेला चीज की, करीब 1 इंच लंबी, 8 फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, 1 गाजर ग्रेट की हुई, 2 आलू उबले हुए और मसले हुए, 2 बड़े चम्मच हरी शिमला मिर्च कटी हुई, 2 बड़े चम्मच लाल शिमला मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, 1 प्याज बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 पिकल्ड हैलपिनोज कटी हुई, 1 कप व्हाइट सॉस और 1 कप ब्रेड क्रम्स। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज और फ्रेंच बीन्स डालकर भून लें, फिर इसमें गाजर, नमक, हरी और लाल शिमला मिर्च डालकर इसे थोड़ा पकाएं। अब इसे बोल में निकाल लें, इसमें कटी हुई हैलपिनोज, उबले हुए आलू और नमक डालकर मिक्स करें। अब आधा कप व्हाइट सॉस इसमें डालें और आधा कप ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स कर लें। बची हुई व्हाइट सॉस को एक प्लेट में डालें, दूसरी प्लेट में बचे हुए ब्रेड क्रम्स डालें। अब तैयार मिक्सर के छोटे छोटे क्रोकेट्स बनाएं, और इसके बाद इसके बीच में मोज़रेला चीज का टुकड़ा रखें, और इसे बंद करके इसके ऊपर व्हाइट सॉस और ब्रेड क्रम्स लगाएं, और एक प्लेट में रखकर ऊपर से क्लिंग रैप रखकर इसे फ्रिज में रख दें। अब जब भी खाना हो तब इसे निकालें, गर्मा गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें, और गर्मा गर्म परोसें। We'll be right back.